दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपको पता ही होगा UPTGT के पेपर ओवर हो चुके हैं, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ उसी से रिलेटेड दो बड़ी अपडेट। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दो बहुत बड़ी अपडेट आई हैं जो कि चयन बोर्ड से आते देखने को मिलेगी आपको। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ। चयन बोर्ड की तरफ से जानकारी मिलने के अनुसार TGT PGT की जो परीक्षा हुई थी उसकी जो उत्तर कुंजी है संशोधित वाली, वो तैयार हो चुकी है, जिसको 30 अगस्त के पहले पहले ही उसको रिलीज़ कर दी जाएगी। और साथ ही ये भी खबर आ रही है कि TGT PGT के जो रिज़ल्ट हैं वो 15 से 20 सितंबर के बीच में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि TGT की जो है आधे से ज़्यादा OMR शीट चेक हो चुकी हैं और PGT की भी शुरू हो चुकी है, यानी कि जल्द ही इस चीज़ का प्रोसेस हो जाएगा और जल्दी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों ने OMR शीट भरने में बहुत सारी प्रॉब्लम करी हुई है उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यदि आपकी OMR शीट में एक से कहीं ज़्यादा दिक्कतें हैं तो आपकी OMR शीट रिजेक्ट हो सकती है। इसलिए मेरे स्टूडेंट्स ने काफ़ी ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि उन्होंने OMR शीट सही से नहीं भरी तो क्या, अगर आपने OMR शीट सही से नहीं भरी है तो आपका जो है परीक्षा कैंसिल हो सकती है, यानी कि आपकी चेक नहीं होगी, वो रिजेक्ट भी कर दी जा सकती है OMR शीट। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इसको सभी अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, क्योंकि ये हम लोगों के लिए एक तरह से खुशखबरी ही है।